गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोहनलाल, क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट EVS, आपको लेसन सिक्स का इन हाउसेस के बारे में आपको बता रहा था। अभी तो मैंने आपको सिटीज विलेजेस के बारे में आपको बताया था, तो इसमें सिटीज के लिए थोड़ा सा आपका रह गया था, तो वो मैं आपको टॉपिक अब दोबारा से समझा रहा हूं। इन सिटीज द हाउसेज आर मच बेटर। शहरों में जो हाउसेज हैं वो विलेज की जो गांवों के जो घर हैं उनसे बेटर होते हैं, उनसे अच्छे होते हैं। सम पीपल लिव इन बिग बंगलो, कुछ लोग बड़े बंगलों में रहते हैं। वाइल अदर लिव इन मल्टी स्टोर फ्लैट, और अलग से जो अन्य लोग होते हैं वो मल्टी स्टोर फ्लैट में रहते हैं। फ्लैट और बंगलों के बारे में मैंने आपको बताया था, फ्लैट जो होते हैं वो एक के ऊपर एक होते हैं, और बंगलो जो आपका नीचे के शेप में होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ ब्रिक, और वे ईंटों के, सीमेंट के, स्टील के द्वारा मॉडर्न तरीके से आर्किटेक्चर द्वारा बनाए जाते हैं, आधुनिक तरीके से। इन ऑर्डर टू मीट द चैलेंज ऑफ एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर कंस्ट्रक्टेड, और इसी ऑर्डर से लोगों को चैलेंज मिलता है एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन, हर जनसंख्या के हिसाब से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर कंस्ट्रक्टिंग, और ये सभी चीजें बनाई जाती है। कैसे? जैसे मल्टी स्टोर बिल्डिंग जनसंख्या के हिसाब से, कि जहां पर जनसंख्या बढ़ती जाती है। द स्काई क्रैपर आर कॉमन साइट इन मेट्रो सिटी लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड चंडीगढ़। और स्काई क्रैपर जो आसमान छूती बिल्डिंगें होती हैं वो कॉमन साइट, जैसे मेट्रो सिटी होती है जहां पर मेट्रो चलती है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, चंडीगढ़, ऐसी जगहों पर ये कॉमन साइट पर दिख जाते हैं। जो बिल्डिंगें एक के ऊपर एक गगनचुंबी जो बिल्डिंगें होती हैं, जो बहुत ऊंचाई पे बनाई जाती हैं। इन कोल्ड रीजन, अब इसमें क्षेत्र होते हैं। क्षेत्र कैसे कैसे होते हैं? कुछ क्षेत्र होते हैं जहां पर पूरे साल भर गर्मी ही रहती है, और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर ठंड के ठंड रहती है। तो ऐसे क्षेत्रों में जो मकान होते हैं, घर होते हैं, तो वो किस तरह की उनकी बनावट होती है, कैसा उनका रहन सहन होता है, कैसे वो हमें उस चीज से बचाते हैं। तो इन कोल्ड रीजन, अब कोल्ड रीजन यानी कि शीत वाले क्षेत्र, ठंड वाले जगह, पॉलर रीजन आर वेरी कोल्ड एज द अर्थ ऑफ कवर्ड विद आइस। जो पॉलर क्षेत्र होते हैं, जो शीतोष्ण वाले क्षेत्र होते हैं, शीतोष्ण यानी कि जहां पर ठंड होती है, वेरी कोल्ड एज अर्थ यानी कि पृथ्वी का सबसे ठंडा, वी कवर विद आइस, जो बर्फ से ढका रहता है, वो पॉलर रीजन होता है, यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। दे आर लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ आर्टिक सर्कल विच इज फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर, और ये उत्तरी अंटार्कटिक सर्कल पे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिस विच इज फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जो इक्वेटर के दूर होता है, यानी कि जो इनका क्षेत्र होता है वो उत्तरी आर्टिकल क्षेत्र में पाया जाता है। देयरफॉर द एस्किमो लिव इन टेम्परेरी हाउस कॉल्ड इग्लू ड्यूरिंग एटम एंड विंटर, इसलिए एस्किमो जो ठंड वाले क्षेत्र में रहते हैं, एस्किमो लिव इन टेम्परेरी हाउसेज, जो एक सिंपल घर बनाते हैं कॉल्ड इग्लू, जिन्हें इग्लू कहते हैं, ड्यूरिंग ऑटम एंड विंटर, जो पतझड़ और सर्दियों के दिनों में बनाए जाते हैं। कहां पर? पॉलर रीजन में। मेकिंग ऑफ द सर्कल ऑन द स्नो इज द फर्स्ट स्टेप इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इग्लू, और इनके घेरे वाले जो क्षेत्र बनाया जाता है, स्नो फर्स्ट स्टेप, जो जहां पर बर्फ होती है, इनका फर्स्ट स्टेप जो कंस्ट्रक्शन होता है वो होता है इग्लू का, यानी कि पहली जो ठंड पड़ती है, जो बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, सबसे पहले जो होती है, तो उनका पहला जो होता है वो होता है इग्लू। बिग स्नो आउटसाइड ऑफ द हाउस इज हायर देन द फ्लोर ऑफ इग्लू, और बहुत ज्यादा घर के बाहर बहुत ज्यादा
बर्फ होती है देन द फ्लोर ऑफ इग्लू, जो इग्लू के छत पर होती है। अ शॉर्ट पास इन द फ्रंट ऑफ द इन्वर्टेड बाउल ऑफ शेप इग्लू इज मेड, और ये छोटे से रास्ता जो इनका अंदर जाने का होता है, फ्रंट जो मेन रास्ता होता है वो बहुत छोटा होता है। इन्वर्टेड बाउल शेप इग्लू इज मेड, जो एक कटोरे की शेप में होता है, जैसे ये बना हुआ है आपका, ठीक है, ये आपका इग्लू होता है जो बाउल की शेप में होता है, और जो अंदर की तरफ जो रास्ता होता है वो बहुत ही छोटा और पतला होता है। इन हिली एंड माउंटेनियस रीजन, पहाड़ियों और पर्वतों के क्षेत्र में, हाउस आर मेड ऑफ द वुड, जो घर होते हैं वो लकड़ियों के बने होते हैं। दे यूजली हैव स्लोपिंग रूफ, और उनकी जो छतें होती हैं वो स्लोप साइड होती हैं, जो ऊपर से इस तरह से झोपड़ी की जो ऊपर की स्लोप साइड होती है, ताकि उसमें से जो बर्फ है वो नीचे गिरती रहे, वो वहां पर जमा ना हो पाए। दिस इज बिकॉज स्लोपिंग रूफ डू नॉट अलाउ रेन विंटर एंड स्नो इज कलेक्ट टू मेक द हाउसेस कोल्ड एंड डैम्प, क्योंकि ये स्लोपिंग रूफ इसलिए होती है कि वो जो रेन वाटर होता है, जो बर्फीले पानी जो निकलता है, वो उसके ऊपर ना रुक सके और बर्फ इकट्ठी ना हो सके, इसीलिए वो ठंड के घर बनाए जाते हैं। सम हाउस ऑल्सो हैव फायर प्लेसेस टू कीप द रूम वार्म, और कुछ घरों में भी फायर प्लेसेस यानी कि घरों में आग, टू कीप द रूम वार्म, जिससे घरों में कमरे गर्म रहते हैं। फायर प्लेसेस यानी कि आग का स्थान, जहां पर आग लगाया जाए, थोड़ा सा ओखला बनाया जाता है कमरों के अंदर, ओखला, ओखला यानी कि जहां पर छोटा सा एक घर के अंदर एक ऐसी जगह होती है जहां पर वो आग को जला के उस कमरे को गर्म किया जाता है। हॉट रीजन, जैसे आपका कोल्ड रीजन है, ऐसे ही इन हॉट रीजन यानी कि उष्णकटिबंधीय यानी कि जो गर्मी का क्षेत्र होता है, कौन सा, गर्मी का क्षेत्र यानी कि जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, जैसे ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है ऐसे गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो उन क्षेत्रों को कहते हैं उष्णकटिबंधीय डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान। ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पूरी तरीके से गर्मी रहती है, मतलब टेम्परेचर इतना हाई होता है कि आप उसमें कोई भी चीज अगर बाहर रखेंगे वो ऑटोमेटिक ही गर्म हो जाती है, मतलब इतनी ज्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर 40 से अबव, इतनी ज्यादा गर्मी। तो डेजर्ट एंड ट्रॉपिकल रीजन हैव ब्राइट मॉर्निंग एंड बिकम हॉट बाय आफ्टरनून, रेगिस्तान और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल रीजन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, हैव ब्राइट मॉर्निंग यानी कि जो उनकी मॉर्निंग होती है वो बहुत ही चमकीली, बहुत ही ज्यादा गर्मी वाला क्षेत्र होता है, एंड बिकम हॉट बाय आफ्टरनून, और दोपहर के समय वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है कि आप उसमें बाहर भी नहीं निकल सकते। द नाइट आर वेरी कूल, और जो रातें होती हैं वो बहुत ही ठंडी हो जाती है, क्यों, क्योंकि रात दिन की जो गर्मियां होती हैं, जब इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है तो जैसे जैसे वो टेम्परेचर कम होता चला जाता है तो रात आते आते वो बहुत ठंडी हो जाती है। द टेम्परेचर राइजेज टू इट्स पीक ड्यूरिंग समर, और उनका जो तापमान है राइजेज जैसे जैसे बढ़ता जाता है, टू इट्स पीक ड्यूरिंग समर, और गर्मियों के दिनों में बहुत ज्यादा पीक पे हो जाता है, बहुत ज्यादा उठान पे हो जाता है, यानी कि जो तापमान जैसे जैसे बढ़ता रहता है, राइजेज निकलता रहता है, टू इट्स पीक ड्यूरिंग समर, और वो गर्मियों में बहुत ज्यादा उठान पर होता है। द हाउसेज इन ट्रॉपिकल रीजन आर कंस्ट्रक्टेड विद ब्रिक एंड कंक्रीट सीमेंट, और जो उष्णकटिबंधीय के क्षेत्र में जो मकान बनाए जाते हैं, जो घर बनाए जाते हैं, विद ब्रिक एंड कंक्रीट सीमेंट, ईंटों से और कंक्रीट सीमेंट से, इससे वो बनाए जाते हैं ताकि उसमें ना ज्यादा गर्मी लग सके और ना ज्यादा ठंड लग सके, तो वो इसलिए लगाए जाते हैं, कंक्रीट के सीमेंट बनाए जाते हैं ताकि उसके अंदर का जो वातावरण है वो ठंडा रहे।
ज्यादा गर्म ना रहे, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, सीमेंट और कंक्रीट जो ईंटों की होती है वो अंदर से गर्मी को लाने नहीं देती, इसलिए जो गर्मी के क्षेत्र होते हैं, जो हॉट के क्षेत्र होते हैं, वहां पर ब्रिक एंड कंक्रीट सीमेंट का ही प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आज आपको इन कोल्ड रीजन और इन हॉट रीजन, इन दो के बारे में बताया है। बाकी आप इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें देखो एक आपको स्लॉप प्रूफ हाउसेस दिया हुआ है, ठीक है, और एक फ्लैट रूफ हाउसेस दिया हुआ है। ये डायग्राम आपको दिखाए हुए हैं। तो स्लॉप रूफ जो होता है ये इस तरह का होता है ताकि ऊपर से कोई भी अगर पानी है, बर्फीली जगह है, वो ऊपर से ना रुक पाए, वो सीधी बाहर की तरफ निकल जाए, इसलिए स्लॉप रूफ हाउस बनाए जाते हैं। क्लियर है बच्चों? थैंक यू।